जल्द से कल लिस्ट लगा हुआ है कि मारो जो चावल और है क्या पढ़ रहा था वो नहीं लिस्ट किधर है चावल चावल का नौकरी है किस चीज का नौकरी है चौकीदार का नौकरी है चौकीदार का हाँ किस जमात का है आठवीं जमात का जाए पढ़ो भाई हमको क्या बताए भाई साहब नौकरी आठवीं के आठवीं हाँ मैं भी आठ पढ़ा हूँ जो भी पढ़े हो जाओ दफा हो जाओ क्या है मैं सब देखो किस तारीख पे इंटरव्यू है किस तारीख पे नहीं मैं अपना देख रहा हूँ अपना तारीख देख रहा हूँ आपका तारीख देखूंगा मेरा भी पढ़ो ना मैं पढ़ा नहीं हूँ देखो मैंने कहा नहीं पढ़ो देखो भाई साहब देखो नाराज ना होना नाराज ना होना छह तारीख को आपका टेस्ट है पहला छह तारीख और अपना कागजात लेके जाओ उधर सर हाँ सर लेके जाओ आए तो आपके पास हाँ आए तो सही आठवीं जमात हाँ अभी जाओ मैं अपने देख रहा हूँ टेंशन है मुझे अपने मेरा भी देख लेना भाई साहब हाँ तो आखिरी बंदा रह गया इसके बाद चौकीदार का लिस्ट पूरा हो गया है क्यों ना आखिर बंदे को बुलाओ नेक्स्ट भाई तुम इस करो ना बॉस बैठा हुआ है ना कुर्सी पे बैठो कुर्सी किधर है सर कुर्सी यू आर कुर्सी ले आओ तमीज किया करो सर इंटरव्यू देने आया हूं भाई अभी बॉस आपको पांच सवाल करेगा सोच समझ के सवाल का जवाब देना बाद में इधर चांस नहीं मिलेगा हां भाई तो शुरू करते हैं सवाल भाई आपका पहला सवाल यह है कि कैद आजम कब पैदा हुआ सर रास्ता में पैदा हुआ है भाई मैंने कहा सोच समझ के जवाब दो बॉस ने बोला कब पैदा हुआ कहां पैदा हुआ नहीं बोला पहला सवाल तो गया भाई मैं अगले सवाल पे भी ट्राई करूंगा ये तो गलत हो गया हाँ भाई पहला सवाल तो आपने गलत कर दिया अभी दूसरा सवाल तो सही दे दो बाबा कम से कम अभी दूसरा सवाल है आपका कैद आजम का मजार कहाँ है सोचो बाबा बॉस आपके दोस्त का फोन आया कराची से हाँ कराची से कराची हाँ भाई आपका एक सवाल तो गलत हो गया दूसरा सवाल आपने सही किया है ठीक है अभी तीसरे सवाल के लिए होशियार हो जाओ भाई ठीक है होशियार तकड़ा हो जाओ तीसरा सवाल है आपका पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है क्रिकेट है क्रिकेट हाँ बाबा दो सवाल तो आपने गलत कर दिए इस तरह चलता रहा तो फिर आपको रोक भी रहने से रह गया भाई ठीक है अभी आपको आसान सवाल दूंगा दो सवाल में आपने एक गलत कर दिया ठीक है अभी आसान सवाल दूंगा उसका सोच समझ के जवाब देना ठीक है मिसाल के तौर पर अगर आपको चौकीदार का नौकरी मिल जाए आप गेट पे ड्यूटी कर रहे हो एक बंदा ऐसे जोर जबरदस्ती घुसने के अंदर कोशिश करे तो आप क्या करोगे एक कान के नीचे रख दूंगा बाहर निकालूंगा वाह वाह अभी ये ना सही जवाब हाँ भाई आपके चार में से दो सवाल सही हुए हैं दो हल अभी आपका आखिरी सवाल है ठीक है सोच समझ के सही तरीके से जवाब दो ठीक है अभी आपका पांचवा सवाल है चौकीदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं चौकीदार को अंग्रेजी में सेफ्टी गार्ड कहते हैं अच्छा ठीक है भाई ठीक है अभी आपको इजाज़त है कब आप नौकरी पे भाई अभी लिस्ट चेक करेंगे सारा देखेंगे जिनके नंबर सही हुए जिनके सवाल सही हुए ना ठीक है तो सबके नंबर हमारे पास मोबाइल पे लिखे हुए हैं हाँ उनको कॉल करके अभी बुला लेंगे ठीक है ठीक है अभी आपको इजाज़त ठीक बातचीत करो तब जब कुछ बनेगा मैं छह साल से यहाँ रोटी कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है सारा कैश चल रहा है ये इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा गरीब आदमी मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ किससे बात करो हैं पीए से जाके बात करो आपका काम हो जाएगा वो बातचीत करता रहेगा साथ से बैठे जी हाँ अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम लिस्ट लग गया लिस्ट कुछ नहीं है भाई अंदर नहीं काम चल रहा है आज कल नौकरी चाहिए अरे घूरना बंद करो पहले सब्सक्राइब करो।